तापसी पन्नू ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं तो 10% उस कैरेक्टर का उनकी पर्सनल लाइफ में रह जाता है, और जब रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ उनके साथ, उन्होंने कैसे किया उस पर रिएक्ट, आइए बताते हैं। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल तापसी पन्नू ने रिवील किया कि किस तरह एक बार एक शख्स ने उनकी परमिशन के बिना उनकी पिक्चर्स क्लिक करने पर वो उस शख्स पर भड़क गईं। इस इंसिडेंट को याद करते हुए तापसी ने कहा कि मनमर्जियां की शूटिंग के दौरान जब वो और उनकी सिस्टर एक डिनर आउटिंग के लिए गए थे, तो आफ्टर द डिनर व्हेन दे वर वेटिंग फॉर द ड्राइवर टू गेट द कार, देयर वाज अ मैन एट द सिग्नल हु वाज स्लाइली ट्राइंग टू टेक आउट हिज कैमरा ऑन अ बाइक। And because she was still in her character Rumi, she slammed the person by saying, "Phone andar rakh le, nahi to tod dungi." Well, apne is interview mein Taapsee bata rahi thi that while she manages to get rid of 90% of the character, 10% remains with her after the film. Apne is interview mein Taapsee ne ye bhi kaha ki wo public figure hai, public property nahi. So, तापसी पन्नू ने ये शेयर किया कि कैसे एक एक दफा वो जब एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी अपनी सिस्टर के साथ, देयर वाज अ गाय हु वाज ऑन द बाइक, एंड जब उन्होंने उनसे उनकी पिक्चर लेने की कोशिश की, वो भी स्लाइली बिना उनकी परमिशन लिए हुए, शी इरप्टेड, शी वायलेंटली इरप्टेड एंड टोल्ड हिम कि फोन अंदर रख दो नहीं तो मैं तोड़ दूंगी, एंड शी सेड दैट आई वुडंट हैव बीन दिस पर्सन इफ इट वॉजेंट फॉर रूमी द कैरेक्टर दैट आई वॉज प्लेइंग इन मनमर्जिया, एंड दैट्स व्हेन शी स्पोक अबाउट द फैक्ट कि जब भी वो कोई मूवी करती हैं, वेदर इट्स गेम ओवर जो उन्होंने रिसेंटली की या फिर वेदर इट वॉज मनमर्जिया, दे हैव टू एज एन एक्टर उनका प्रोसेस है कि वो ऑफकोर्स कैरेक्टर में घुसती हैं और कितनी भी कोशिश करें वो पूरा 100% उस कैरेक्टर को अपने अंदर से नहीं निकाल पाती, 10% उस कैरेक्टर की ट्रेट्स एज अ पर्सन शी कैरीज फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली, और इसीलिए आई थिंक ये जो वायलेंट अंदाज नजर आया, उन्होंने कहा कि कैसे मन मर्जिया फिल्म में शी हैड दिस फियर्स गर्ल्स रोल, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर रह गया था, इसलिए जब उन्होंने पिक्चर लेने की कोशिश की सिग्नल पर, तो उन्होंने बिल्कुल उन्हें वहां पर बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि डोंट टेक माय पिक्चर। वो कह रही थी कि शायद मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करती अगर मैंने मनमर्जिया नहीं की होती, वो कैरेक्टर प्ले नहीं किया होता। एंड इन द पास्ट लॉट ऑफ एक्टर्स हैव स्पोकन अबाउट हाउ यू नो वो पूरा उनका असर रह जाता है जो कैरेक्टर का होता है। रणवीर सिंह ने कहा कि पद्मावत में जब वो अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले करने वाले थे, उनकी प्रेपरेशन में उन्होंने 20 days अपने आप को लॉक कर दिया, वो कहीं बाहर नहीं गए, उन्होंने किसी से बात नहीं की, एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग दैट वॉट मोर कैन ही ब्रिंग एज अ खिलजी on screen. And did you know this was not the first time ki jab unhone apne aap ko lock up kiya tha 7 din ke liye, he had already done that for Bajirao Mastani also, where in a hotel he locked himself up. Matlab we've seen different people, but Gunjan, this is about preparing, but Padmavat play karne, I mean Alauddin Khilji play karne ke baad, he had to go to a therapist, he was visiting to undo because the effect was so much. Wahin par hum logon ne suna hai ki how Shahid Kapoor was recently talking about the fact ki kaise ye Kabir Singh ka character portray karne ke liye he had to go through this extreme version of himself, like he doesn't smoke or drink, lekin yahan pe Kabir Singh his character does, and he is on this self sabotaging spree, and yahan par he comes back to a family life and he felt so disoriented ki it's so different ki aap apni personal life aur professional life ko saath mein leke kaise chalo, kyunki aapka character then doesn't fit into your personal life anymore. We've heard Amitabh Bachchan talk about kaise Paav mein when he was going through this extreme transformation he had to literally unlearn ki kaise baat karte hain, kaise chalte hain, he had to get into the whole thing, and I think it kind of psychologically has affected a lot of people, whether it was Ranbir Kapoor who has sat closed up in without talking to anybody on sets to make sure, and they have had, and they all have come out and spoke about ki kaise they have been depressive bouts after the character finishes, because usse nikalna utna hi mushkil ho jata hai. Like Taapsee also again said ki game over ke baad bhi she went through depressive days, because some movies just don't leave you, those 10% that you carry with you wo kahin na kahin aapko us journey par badalte jate hain. Aur agar baat kare Taapsee Pannu ke is incident ke bare mein jahan par there was a man who was trying to click a picture without her consent, without her knowledge, of course log use keh sakte hain ki you know Taapsee is being rude, she is a public figure and people will click her pictures, lekin I think kahin na kahin ek line draw karna bahut zaruri hai. If you are going out with your family, with your sister to go have lunch or dinner, and then somebody slyly trying to click your picture, of course is awkward, right? And I think jahan par the man has the right to slyly click a picture according to people who are supporting the man, I think even Taapsee has the right
to speak up for herself and tell the man that she's not liking what the man is doing. I think it's absolutely fine. She has the right to. Absolutely. In fact, Saga, kitne logon ne past mein bola hai celebrities that how people would come to them and not even ask them for a picture, yeah. and they will have a camera in front of them and take a selfie and walk out, and how yeah. rude that has been. Yeah. I mean, the fact is ki yahan par basic etiquettes ki bhi kami hai, and of course, sometimes celebrities are going to lose it and going to ask for a basic decency of just asking yeah. for them. But in defense, I think people are also very intimidated. They are scared. They are shocked, surprised that, oh my God, I have seen Taapsee Pannu, and then they kind of, without telling, shayad intention galat nahi hota har time, shayad wo dar rahe hain, lekin kisi ka bhi picture ya video lena without the consent is not cool. Recently, ek video viral hua tha jahan Jaya Bachchan ji ne bhi kisi se kaha tha ki camera niche rakho, photo mat lo ya video mat lo. Of course, aap kisi mood mein rehte hain, aap kahin ja rahe hote hain, to it's uncomfortable, and I think Taapsee Pannu has all the right to call out on that incident.